और स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, सारी मिट्टी वगैरह पड़ी है, मतलब सारी पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है, माता रानी की पूजा नहीं हो पा रही है और 15 दिन से पानी नहीं है। कितने का टैंकर मंगाएं, कितने टैंकर मंगाएं। स्मार्ट सिटी में किया जा रहा सीवरेज लाइन का कार्य लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। सुभाष नगर कपिल नंबर गली नंबर 8 में पिछले 20 दिनों से क्षेत्रवासियों को नहीं मिल रहा पेयजल। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ अजमेर शहर में हर गली और मोहल्ले में सीवरेज लाइन डालने के कार्य भी किए जा रहे हैं, जिससे हर मोहल्ले की हर गली खुदी पड़ी है। ऐसा ही हाल सुभाष नगर कपिल नगर टावर रोड गली नंबर 8 का है, जहां पिछले 20 दिन से सीवरेज लाइन डालने के नाम पर सड़कों को खोद कर पटक दिया गया। इस खुदाई के दौरान इस बस्ती की पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिससे लगभग 20 दिन से 20 घरों के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने कॉन्ट्रैक्टर दीपक शुक्ला से बात की तो उसने पाइपलाइन ठीक कराने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। वहीं पार्षद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ऐसे में क्षेत्रवासी करें तो क्या करें। क्षेत्र में प्राचीन शीतला माता का मंदिर है, जिस पर लोग पूजा करने नहीं जा पा रहे। वहीं स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे में क्षेत्रवासी घरों में ही कैद रहने को मजबूर हैं। कछुआ चाल से चल रहा सीवरेज लाइन का कार्य स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, लिहाजा प्रशासन को जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये कपिल नगर टावर रोड गली नंबर 8 है और यहाँ पर करीबन 15 दिन से ये सीवरेज खोद रखी है, इसमें सभी के पाइप टूटे पड़े हैं, किसी के भी यहाँ कम से कम 15 मकान है, किसी के भी पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर 15 दिन से, और ना ही कचरे वाला आ रहा है। अब सबके घरों में कचरा इतना सारा इकट्ठा हो गया, खाली प्लॉट में फेंकते हैं तो जुर्माना लग जाता है, और स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, सारी मिट्टी वगैरह पड़ी है, मतलब सारी पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है, माता रानी की पूजा नहीं हो पा रही है और 15 दिन से पानी नहीं है। कितने का टैंकर मंगाएं, कितने टैंकर मंगाएं, पॉसिबल नहीं है अभी इतना। ये जो गली है कितने घर जोड़ती है ये गली, मतलब कितने लोग इस गली में, कम से कम 15 या 20 मकान है और सारे परेशान हो रहे हैं, किसी के पानी नहीं आ रहा है। और दीपक शुक्ला जी को कल रात को सबने कहा तो रात को तो बोल गए कि हाँ करते हैं, और रात को ये पूरी ओपन थी और यहाँ पे पाइपलाइन दिख रहे थे, पाइप सबके सबको दबा गए रात को मिट्टी के नीचे, अब अगर आपसे कुछ होता है तो कर लो, वो ये बोल के गए। कौन सी जगह के आती है ये? कपिल नगर है गली नंबर 8 सुभाष नगर। तो ये कि एक तो रास्ता बंद हो गया पूरा, ना तो निकल सकते, पैदल भी निकलने में बहुत परेशानी है, और दूसरे ये कि पानी वानी आना बंद हो गया बिल्कुल, पानी नहीं जा रहा, तो जिस वजह से हमें बाहर से पानी लेना पड़ रहा बाजार से। क्या मानते हो अंकल, अपना अजमेर जो है आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हो, टीवियों में देखते हो, अजमेर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, और इस तरफ ये कॉलोनियों के यहाँ हाल है? नहीं नहीं नहीं, कॉलोनियों के हिसाब से हम नहीं कह सकते कि स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, दिन ब दिन जो है गंद पड़ता ही चला जा रहा है गलियों गलियों गलियों। ठीक है वैशाली नगर वगैरह में होगा, अच्छा होगा, पर यहाँ तो अपना जो सुभाष नगर हो गया, कपिल नगर हो गया, ये आपका खानपुरा वगैरह हो गया, सब बुरा बुरी हालत है, इसी तरीके की हालत। अच्छा, रोड नाली सड़क को लेकर अगर बात करें तो क्या स्थिति हो रखी है पूरे वार्ड की? वार्ड की हालत ठीक नहीं है, सब जमादार वगैरह आता नहीं है, ये चक्कर है, गाड़ी नहीं आ पाती। कितने दिन पहले शुरू हुआ था सीवरेज का? सीवरेज के काम को करीब ये लगा लीजिएगा 20-25 दिन हो गए, पर हालत वही है, सब खुद ही पड़ी है, पूरी गलियां जो खुद ही पूरी। जी वार्ड नंबर 34 से हैं या सुभाष नगर गली नंबर 8 से हैं, या 15 दिन से हमारी यहाँ सीवरेज का काम चल रहा था, जो पूरा खोदा खुदाई कर रखी है, कॉन्ट्रैक्टर भी हमारी बात नहीं सुन रहा है, 15 दिन से पानी नहीं आ रहा हमारे पूरे मोहल्ले में, सारा मोहल्ला यहाँ पर परेशान हो रहा है, इसलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत परेशानी हो रही है। मतलब किस चीज़ का काम चलना था भैया यहाँ, और कब तक पूरा होना था ये काम? ये सीवरेज का काम चलना था और उन्होंने कहा था लगभग महीने भर में एक चीज़ खत्म हो जाएगी, लेकिन कम से कम हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आता है इनके कि भाई हमारा जो पानी की फिटिंग है ये तो ये लोग ठीक कर दें, लेकिन अभी तक वो भी ठीक नहीं हो पा रही। किसी से किसी अधिकारी वगैरह से बात करी, पार्षद को बोला आपने? हमने दीपक शुक्ला जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है यहाँ का, उनसे बात की, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर झड़प कर ली, हमारे पार्षद जी से भी उन्होंने झड़प कर ली, बात नहीं समझ रहे हैं और हमारी परेशानियों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, और पानी यहाँ पर आ नहीं रहा, पानी की भी ना बहुत परेशानी हो जाती है। अच्छा, पानी जब नहीं आ रहा है, बड़े बड़े खड्डे यहाँ हो रहे हैं, तो किस तरह की दुर्घटना यहाँ पर हो चुकी है, हो रही है, होने की संभावना है? यहाँ दुर्घटना तो सर देखो रोज ही हो रही है कि भाई गाड़ी यहाँ से निकलती है तो गाड़ियाँ निकलने में यहाँ पर इतना ज़्यादा खुदाई हो रखी होती है कि बहुत लोग एक्सीडेंट होते होते बच रहे हैं, 10-15 दिन से चल रहा है यहाँ पे जो मेन रोड है, यहाँ देख ही रहे हो यहाँ पर भी सारा टूटन फूटन हो गई है, तो फिर आदमी निकलेगा कहाँ से, पूरा रास्ता बंद हो रखा है, पूरा रास्ता बंद हो रखा है और बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे हमारा शीतला माता का मंदिर है पीछे, जहाँ पर पूजा करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत से धार्मिक लोग हैं जो रोज यहाँ पे पूजा करते हैं, उनको भी बड़ी परेशानी हो रही है।